हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग क्लास 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सिलेबस बायोलॉजी चैप्टर नंबर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, आई एक्सप्लेन यू अप टू द आरएच विटकर्स गिवन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ लेट्स वी स्टार्ट द अदर टॉपिक्स विच आर नॉट इंक्लूड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। दीज आर वायरस, वायरॉइड एंड लाइचेन। ऑल थ्री ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो इंक्लूड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव DNA एंड RNA जीनेटिक मटेरियल बट डोंट हैव कम्प्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर। दे आर इंक्लूड इन ए सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, वाई ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दीज आर कॉल्ड? बिकॉज दे हैव ओनली जीनेटिक मटेरियल्स DNA एंड RNA। एंड वायरस आर कॉल्ड द चेन बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की ये चेन कहलाते हैं वायरस। क्यों? क्योंकि जब तक ये बाहर के एनवायरमेंट के अंदर जो होते हैं तब तक वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही किसी के अंदर पैरासाइट्स हो जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं, तो ये वहाँ पर अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और लिविंग हो जाते हैं। तो इस तरह से वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्शन भी बोला जा सकता है। ये तीनों के तीनों असेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इनका सेल वॉल जो होता है पूरा कंप्लीट सेल डेवलप नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये लिविंग में काउंट होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव DNA एंड RNA जीनेटिक मटेरियल्स एंड फ्लूड ऑल्सो। ओके, सो दे आर इंक्लूड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या इस तरह से वायरस आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया एंड बैक्टेरिया आर जो ह्यूमन वेलफेयर। हाँ, सम मोस्ट ऑफ बैक्टेरिया बट ऑल वायरस आर नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन। ऑल आर पैथोजेनिक एंड गिव डिजीज टू ह्यूमन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। ओके, जितने भी वायरस होते हैं ये सभी डिजीज देने वाले होते हैं और हमेशा पैरासाइट्स होकर के रहते, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो या ह्यूमन, सबकी बॉडी के अंदर ही अपनी जगह बना करके वहाँ पर एक लिविंग हो जाते हैं, अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वायरस क्या होते हैं? स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कनेक्शन बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग। कभी आपको कॉमन क्लोर हुआ है, फ्लूज वगैरह, या कोई अपन बोलते हैं कोई स्लाइटली कोई फीवर होता है तो हम उसे बोल रहे हैं वायरल फीवर, तो वो सभी किसकी वजह से है? ये सब कुछ होता है वायरस की वजह से। ठीक है, और ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं क्योंकि इनके क्या होता है, इंटर क्रिस्टेलाइन स्ट्रक्चर इनके आउटसाइड लिविंग सेल के बाहर की तरफ होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो जितनी भी हमको इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज होती है वो वायरस से होती है। ये देखिए यहाँ पे, ये वायरस का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये वाला जो है सबसे फर्स्ट वायरस जो था, ये टोबेको जो प्लांट होता है उसके अंदर मोज़ेक जो थी, मोज़ेक उसकी स्पीसी, उसके अंदर पाया गया। और यहाँ पर ये इसकी बैक्टीरियोफेज है। जब यह किसी के अंदर अपनी पोजीशन बना लेता है, पैरासाइट हो जाता है, तो यह बैक्टीरियोफेज अपनी इस तरह से स्टार्ट कर देता है। ओके, तो आप डायग्राम को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये देखिए, इसने अपने RNA स्ट्रेन से इसके अंदर जगह बना ली है। या तो ये DNA स्ट्रेन से बनाएगा या RNA। जो प्लांट होता है उसके अंदर सिंगल RNA स्ट्रेन बनाता है और एनिमल्स के अंदर डबल स्ट्रैंड RNA वो अपना डिप्लॉयड चेन बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बैक्टीरिया की यहाँ पे फेस देखिए, इसकी बैक्टीरियल फेस मीन्स जब ये पैरासाइट हो जाता है और अंदर अपने आउटसाइड जो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैरासाइट होता है उसकी बॉडी से अपना सेलुलर स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है पैरासाइट होने के बाद, तो यहाँ पे उसकी ये बैक्टीरियोफेज बनती है जिसमें उसकी शीट, कॉलर, ये सब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये वाला जो है वायरस का यहाँ पे डायग्राम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वायरस को जो है सबसे फर्स्ट कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो यहाँ पर जो वायरस नेम जो था वो एक पॉइजनस फ्लूट था। हाँ, एक पॉइजनस फ्लूट को बोलते हैं वायरस, तो उसको सबसे फर्स्ट नाम देने वाले कौन थे? पाश्चर DJ लेवंसकी नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, 1892 के अंदर उन्होंने यह डिस्कवर किया था। यह ऐसा माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स उन्होंने टोबेक जो मोज़ेक डिजीज थी टोबेको के अंदर, हाँ, तो उनके अंदर यह वायरस की तरह से कुछ इस तरह का ऑर्गेनिजम्स उन्होंने फाइंड किया जिसको इन्होंने वायरस नाम दिया था।
और यह स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से भी। ठीक है, बैक्टीरिया कितना स्मॉल होता है, एकदम माइक्रोस्कोपिक, तो उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये तो बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होता है। इसको वॉच करने के लिए क्या, एक हाई पावर के माइक्रोस्कोप की, अल्ट्रास्कोपिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में जब यह फाइंड हो गया था कि वायरस भी कोई बैक्टीरिया से छोटा एक ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, जो सेलुलर होता है, इसके बाद में और भी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया। फिर यह MW बेजरनिक ने 1898 के अंदर इसको डेमोस्ट्रेट किया था, ठीक है, प्लांट टोबेको के अंदर, कि वहाँ हेल्दी प्लांट जो था वहाँ पर वो इन्फेक्ट हो गया था, उसके अंदर कोई डिजीज़ देखी गई थी, तो वहाँ पे उसकी डिस्कवरी की गई, तो वहाँ पर उससे एक फ्लूड निकला था, कॉन्टेजिनम वाइवम फ्लूडम, ठीक है, जिसने इन्फेक्ट किया था किसको, टोबेको की जो वहाँ पे प्लांट था उसको उसने इन्फेक्ट कर लिया था, और उसको मोज़ेक डिजीज़ के नाम से जाना गया। और उसमें वायरस शो हुआ था कि जो अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे उसका फ्लूड जो होता है वह सिक्रेट कर देता है, जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस से वह प्लांट जो होता है उसको डिजीज़ लग जाती है और वह डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वायरस जो होता है वह किसी के भी अंदर पैरासाइट जब होता है तो या तो आइदर मे बी RNA और DNA स्ट्रैंड्स इट प्रोड्यूस, या तो वो DNA या RNA दोनों में से एक स्ट्रैंड से प्रोड्यूस करेगा अंदर, और अगर दोनों ही RNA और DNA दोनों के दोनों एक साथ वो अपनी स्ट्रेन को वहाँ पे नहीं बनाएगा, वो प्लांट्स के अंदर वो RNA स्ट्रैंड्स बनाएगा सिंगल स्ट्रैंड, और एनिमल्स के अंदर डबल स्ट्रैंड अपना RNA स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, जो RNA होता है वो उसको सिंथेसाइज प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के अंदर, इसके ग्रोथ करने के अंदर हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले कि जो भी अपने फ्लूस वगैरह वायरल फीवर जो डिजीज़ होती है वो सबकी सब वायरस के थ्रू ही होती है। उसके सिवाय और भी डिजीज़ है, जैसे कि पम्प्स है, मम्स जो हो जाते हैं ना अपने गले में, टॉन्सिल्स वगैरह, स्मॉल पॉक्स हो जाता है। हाँ स्टूडेंट्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, हीपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा, और सबसे बड़ी डिजीज़ जो ह्यूमन के अंदर पाई जाती है जिसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट भी नहीं निकला, एड्स, वो भी सब कुछ किससे होता है, वायरस से। उसके जिस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर उसका उसका वायरस का पता लगा लिया जाता है कि इस वायरस से इस ह्यूमन में, प्लांट में या एनिमल में ये डिजीज़ ओकर्स हुई है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका वायरस का टॉपिक फिनिश हुआ है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम वायरॉइड। ठीक है, तो वायरॉइड जो होते हैं वह वायरस से भी ज़्यादा स्मॉलर स्ट्रक्चर रखते हैं। वायरॉइड वायरस से भी स्मॉल स्ट्रक्चर, हाँ, इसको डिस्कवर किया था किसके अंदर, देखो वायरस से भी स्मॉलर स्ट्रक्चर इसको 1971 में T.O. डीनियर ने डिस्कवर किया था। इसको पोटेटो जो होता है, पोटेटो प्लांट, उसके अंदर कोई डिजीज़ थी, उसको जब डिस्कवर किया गया तो पाया गया कि वो न बैक्टीरिया है उसके अंदर डिजीज़ का रिस्पॉन्सिबल और न ही वायरस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे भी एक स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से जो है वायरॉइड वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से पोटेटो के अंदर एक वायरॉइड डिजीज़ पाई गई और यहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई कि वह वायरॉइड है। ये अपनी RNA जो होती है उससे वहाँ पे वायरॉइड जो था मोलेकुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो यह वायरॉइड भी डिजीज़ देने वाले ही होते हैं वायरस की तरह ही। फिर है लाइचेन। लाइचेन जो होता है वह सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होता है टू ऑर्गेनिजम्स का, और वो टू ऑर्गेनिजम्स कौन से है, एल्गी एंड फंगी। एंड व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, व्हेन बोथ ऑर्गेनिज्म टेक प्रॉफिट फ्रॉम इच अदर। पैरासाइट्स के अंदर तो ओनली वन होस्ट होता है, वन गेस्ट, जो गेस्ट होता है वो होस्ट को हार्म करके उससे अपना फूड न्यूट्रिएंट करता है, उसको तो फ़ायदा होता है, लेकिन जहाँ पे वो रहता है होस्ट में उसको लॉस होता है। लेकिन जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है उसमें बोथ ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। एल्गी जो होता है वह फंगी को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट मिनरल्स प्रोवाइड करता है, हाँ, और फंजाई जो होता है वह एल्गी को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाम है लाइचेन। और लाइचेन जो होता है वह एक बहुत अच्छा पॉल्यूटेंट एजेंट भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, गुड पॉल्यूटिव इंडिकेटर, क्योंकि जहाँ पे लाइचेन ग्रो होते हैं वहाँ पे कभी पोल्यूशंस नहीं होता है, जहाँ पोल्यूशन नहीं होता है वहीं पर लाइचेन ग्रो होते हैं, इसीलिए यह एक पोल्यूशन इंडिकेटर भी माना जाता है, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर के अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइफ को सर्वाइव करते हैं, वह कहलाता है लाइचेन।
और यह माइक्रोबियंट कॉम्पोनेंट जो होता है इसको बनाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया है, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।